बुमराह ससुरी के बोला था ना, बढ़िया गेंदबाजी करो, आउट नहीं हो रहे तो ससुरी के मुंह पर मार देते। और सिराज, तुम भी किसी काम की गेंदबाजी नहीं की, तुम्हारी वजह से हारे हैं हम मैच। कोहली, चुप कर रहने दे, तूने कौन सा तीर मार लिया है? हमने तो पहली पारी में 4 विकेटें ली, लेकिन तुम यार दूसरी पारी में कुछ रन बनाते तो टारगेट बड़ा होता, हम जीतते। तो सिराज, ससुरी के दूसरी पारी में विकेटें लेनी थी? दूसरी पारी में क्या मैंने विकेटें लेनी थी क्या? अबे कोहली, तेरे को विकटें लेने को कौन बोल रहा है? तूने दूसरी पारी में रन बनाने थे, पहली पारी में चलो नहीं बनाए, बड़ा टारगेट होता। ये ससुरी वाले देखकर बेहोश हो जाते। अब छोटा सा टारगेट था, ससुरी वालों ने मारना शुरू कर दिया, हम क्या करते? जड्डू, ससुरी के तूने पहली पारी में रन बनाए, दूसरी पारी में क्यों नहीं बनाए? चलो दूसरी पारी में तेरे को गेंदबाजी दी, फिर भी तू इतने रन खा गया, 18 ओवर किए ससुरी के, चलो 1-2 विकटें ले लेता। बुमराह, आपस में अब तू तू मैं करने से कुछ नहीं होगा, दूसरी पारी में हमारी ना बैटिंग अच्छी रही ना बॉलिंग अच्छी रही, ये ससुरी वाले दूसरी पारी में पता नहीं क्या खा के आ गया, आउट ही नहीं हुई, 4थी विकेट ही हमको नहीं मिली, केवल 2 विकेटें ली आपने। ठीक है जड्डू, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कौन सा हम टेस्ट सीरीज हारे हैं, 2-2 से बराबर हो गई, अब छोड़ो इन बातों को, T20 और ODI की बढ़िया से तैयारी करो, ससुरी वालों को एक मैच भी नहीं जीतने देना है। देखो तुम स्टोक भैया, ये क्या क्या बोलता है, कभी लड़ता है कभी क्या करता है, फिर आखिर में बोलता है T20 इन लोगों को एक मैच नहीं जीतने देगा, ये ससुरी वाला क्या बोलता है? रूट भैया, तुम काय को टेंशन ले रही है, क्या घबरा रही है? छोड़ो इनको, बातें करने दो, कुछ नहीं कर पाएंगे, ससुरी वाले जीता हुआ टेस्ट मैच हार गए, वो तो जीत नहीं पाए, T20 और ODI कहां से जीत पाएंगे? बहन भैया, हम घबराती नहीं, हम इनकी बातें सुन के हैरान हो गई, ये क्या बोल रही, इतनी लंबी लंबी छोड़ रही है, क्या इनकी इतनी औकात है कि सारे मैच जीत पाए? तुम छोड़ो इन छोटी मोटी बातों को, मेरी बात गौर से सुनो, बढ़िया रिकॉर्ड बनाना इनके खिलाफ, ODI मैच में 500 रन बनाने हैं, नदरलैंड के खिलाफ तो नहीं बन पाए थे, 2 रन चूक गए थे, ये जहन में रखने का। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लेती, इनका हम वो हाल करेंगे, इतना बेदर्दी के साथ इनको पेलेंगे, ऐसा लगेगा कि इंडिया की टीम नहीं है, ये कोई गली मोहल्ले से बनाई हुई छोटी सी टीम है। फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।